सकते हैं। बेहद बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है। इस बैठक में एनएसजी, एसपीजी और आईबी के अफसर शामिल रहे हैं। बैठक में सेना और पुलिस के अफसर भी शामिल रहे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकी हमले के खतरे की बात पर इसमें चर्चा हुई है। पीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। कारगिल दौरे में पीएम की जासूसी की कोशिश की गई, ये बातें भी सामने आई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कई स्पूफिंग कॉल इंटरसेप्ट भी किए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तानी साजिश की आशंका इसमें नजर आती है। खुफिया विभाग समेत सभी को इसमें अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश की बातें जो है वो सामने आ रही हैं और सुरक्षा को लेकर एक बड़े अलर्ट की बात कही जा रही है। बड़ा अलर्ट, सभी एजेंसियां जो हैं सुरक्षा एजेंसियां उन सभी ने बैठक की है, इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई है और उसके बाद ये सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। बैठक में एनएसजी, एसपीजी, आईबी, सेना और पुलिस के अफसर शामिल रहे हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी पर आतंकी हमले का खतरा बताया गया है। पीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने को लेकर यह अलर्ट जारी है। दरअसल हाल ही में कारगिल दौरा प्रधानमंत्री का हुआ था। कारगिल विजय दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए प्रधानमंत्री वहां जब पहुंचे थे तो उनकी जासूसी की कोशिश हुई है, ऐसा बताया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने दरअसल इस दौरान कई स्पूफिंग कॉल भी इंटरसेप्ट किए थे और इसके बाद ही अब उनकी इस प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का शक है, आशंका है कि पाकिस्तानी साजिश इसके पीछे हो सकती है। खुफिया विभाग समेत सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश हो सकती है।